नमस्कार, उम्मीद है आपको याद होगा जब हमने चार्जिंग के मेथड को डिस्कस किया था तो उसमें एक मेथड चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट या कंडक्शन भी आया था। और वहाँ पर दो बॉडी को कॉन्टैक्ट में जब हम लाते थे तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग होता था। वहाँ एक प्रश्न उठ करके आया था कि शेयरिंग या रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद किस बॉडी को कितना चार्ज मिलेगा, ये पता करना। आज इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके एक्सप्रेशन फाइंड कर लें। और इसके लिए हमने तीन सिचुएशन लिए हैं। पहला सिचुएशन बिफोर कॉन्टैक्ट का है, दूसरा एट कॉन्टैक्ट का, और तीसरा आफ्टर कॉन्टैक्ट का। अपनी सुविधा के लिए, हाँ, फिजिक्स में अपनी सुविधा का अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर स्फेरिकल बॉडी लिया है और स्फेरिकल बॉडी में दो डिफरेंट रेडियस, मतलब एसिमेट्रिकल बॉडी की बात कर रहे हैं। सिमेट्रिकल बॉडी होंगे तो कुछ नहीं, रेडियस को आप सेम कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले स्फेरिकल बॉडी को हमने चार्ज Q1 तक किया और उसका पोटेंशियल V1 था। दूसरे को चार्ज Q2 तक किया और उसका पोटेंशियल V2 था। पहले बॉडी चूँकि सिंगल स्फेरिकल सेल जैसा है तो उसका कैपेसिटेंस 4πε0 × R1 होगा और दूसरे का कैपेसिटेंस 4πε0 × R2 होगा। जब हम कॉन्टैक्ट कराएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस के आधार पर चार्ज का फ्लो होगा। और इस प्रश्न का उत्तर तो मिल ही जाना चाहिए कि चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा। तो आई होप आप जानते हो कि चार्ज तब तक एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ट्रांसफ़र होगा जब तक क्या, दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो अभी तो हमने यहाँ V1 और V2 किसी को लार्जर या स्मॉलर नहीं बताया है, इसलिए यहाँ एरो नहीं दे सकते। लेकिन अगर हमें पता रहता कि V1 बड़ा है और V2 छोटा है तो एरो भी R1 बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ होता। खैर, चलिए, रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ कॉन्टैक्ट के बाद। और कॉन्टैक्ट के बाद जब रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो चार्ज का वैल्यू बदलेगा। तो पहले पे Q1 प्राइम, पोटेंशियल तब तक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा जब तक सेम ना हो जाए, यानी भी होगा। यहाँ पर चार्ज अब Q2 प्राइम और पोटेंशियल भी। रह गई बात कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि रेडियस तो चेंज हुआ नहीं है, तो 4πε0 R1 अभी भी रहेगा और दूसरे का कैपेसिटेंस 4πε0 × R2 ये भी कॉन्स्टेंट रहेगा। ऐसे भी मालूम है कि एक कैपेसिटर भरा हुआ हो, चार्ज हो या अनचार्ज हो, कैपेसिटेंस कभी नहीं बदलता। चलिए, अब आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनिशियल फेनोमेना हम इसको मान लेते हैं और फाइनल फेनोमेना इसको मान लेते हैं। तो इनिशियल फेनोमेना में टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू फाइनल फेनोमेना Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये अकॉर्डिंग टू, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, शॉर्ट में लिख दिया LCC, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो भाई, यहाँ पर अब लिखने की बात आएगी। कैपेसिटेंस में बड़ी इजीली आप लिखते थे Q = CV। तो यहाँ पर अगर आप Q1 लिखते हैं, ठीक है, तो C1 V1 लिखेंगे, Q2 लिखते हैं तो C2 V2 भी लिखेंगे। और इधर अगर आप लिखते हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर क्या होगा, C1 भी, क्योंकि पोटेंशियल तो कॉमन हो चुका है, प्लस C2 भी। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो बहुत बढ़िया। अभी देखिए, हम यहाँ से V को कॉमन ले लें तो C1 प्लस C2 और यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2, ओके। तो V इज इक्वल टू एक रिलेशन आपके पास, हाँ, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और इसी को अगर ऊपर वाले से लिखते तो आपके पास ये भी आ जाता। कभी कभी चार्जेज पता रहते हैं तो ऐसे केस में हम पोटेंशियल जो कॉमन आया वो निकाल लेते हैं। ये एक्सप्रेशन जो है, बेसिकली आपके पास ये एक्सप्रेशन किस चीज़ का है, तो ये एक्सप्रेशन है कॉमन पोटेंशियल का। दोनों
सिस्टम पे जो कॉमन पोटेंशियल आया उसका आपने एक्सप्रेशन निकाल लिया। वेल, अभी तक तो आई होप आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मतलब दोनों ही कैपेसिटर्स पे, दोनों ही सिस्टम पे जो कॉमन पोटेंशियल होगा उसका एक्सप्रेशन आप इससे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला एक्सप्रेशन तो हमारे पास है ही, उसको रखे रहिए। कॉमन पोटेंशियल का भी एक्सप्रेशन याद रखिए। अभी आप अगर जैसा लिख रहे थे कि Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, ओके, तो ओबियस है कि आप यहाँ लिखते तो Q1 इज इक्वल टू C1 है ना इंटू V1, और उसी तरह से Q2 इज इक्वल टू आप लिखते C2 इंटू V2। तो अगर आप Q1 बाय Q2 करते तो यहाँ पर ऐसा लिख पाते V2, ओके, Q इज इक्वल टू CV से। अगर आप इसको Q' और ऐसा लिखते तो अभी ऐसे कि पोटेंशियल सेम हो गया तो आप इस एक्सप्रेशन तक पहुँचते, और अगर C का वैल्यू यहाँ से रख देते 4πε0 को कैंसिल कर देते तो आपके पास यहाँ R1/R2 भी आता। ओके, वेल, अभी हम एक और काम कर लेते हैं यहाँ से। काम क्या कर लें कि अगर Q1′/Q2′ में +1 कर दें तो यहाँ C1/C2 में भी +1 करना पड़ेगा, और तब R1/R2 में भी +1 करना पड़ेगा। ओके, तो एलसीएम लेकर के आपके पास क्या आता, Q2′Q1′+Q2′ इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास C2 C1+C2, और यहाँ पर आता आपके पास देख लीजिए R2 R1+R2। थोड़ा सा इसका रेसिप्रोकल निकाल दीजिए, तो रेसिप्रोकल निकालने के बाद से आपके पास क्या आ जाएगा, Q2′Q1+Q2 इज इक्वल टू C2 बाय C1 प्लस C2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। वेल, और अगर आप ऐसा करते कि आपको Q2′ चाहिए था तो इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर लेते, तो जब मल्टीप्लाई करते तो आपके पास क्या आ जाता देख लीजिए, Q2′ इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास Q1′ प्लस Q2′, और यहाँ भी आपके पास Q1′ प्लस Q2′। चलिए, यहाँ तक तो आ गए, लेकिन Q2′ के टर्म में रहे तो एक्सप्रेशन आपको बहुत क्लियर नहीं होगा। बहुत ज़्यादा क्लियर एक्सप्रेशन चाहते हैं तो फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के बाद से आपको क्या मिलेगा, Q1′ प्लस Q2′ इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और यहाँ भी वैसा ही। तो आपको यहाँ पर Q2 के लिए एक्सप्रेशन निकल गया। सिमिलरली आप Q1 के लिए भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ करते क्या कि इसको रेसिप्रोकल कर लेते और तब +1 ऐड कर लेते, और ऐड करने के बाद से जब एक्सप्रेशन लिखते है ना इसी पैटर्न पे आकर के, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आपको मिलता वो आपको ऐसा मिलता कि Q1′ इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और यहाँ पर Q1 प्लस Q2। वेल, तो ये भी आपको मिल जाता। तो यही एक्सप्रेशंस हैं जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद दोनों बॉडी को चार्जेज मिलने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कि तो यहाँ पर तो हमने स्फेरिकल बॉडी के लिए किया है, जनरल बॉडी के लिए एप्लीकेबल होगा क्या? हाँ ठीक है, स्फेरिकल बॉडी के केस में रेडियस आप ले सकते हैं, लेकिन अगर बॉडी डिफरेंट है तो कैपेसिटेंस तो उसका फाइंड हो ही सकता है। यानी कैपेसिटेंस के टर्म में हम उसको एक्सप्रेस करके Q1′ और Q2′ फाइंड कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं स्फेरिकल बॉडी में दोनों एसिमेट्रिकल, मतलब अलग रेडियस का था, कोई बात नहीं, अगर सेम रेडियस का हो जाए
तो आर वन आर टू को इक्वल कर दें तो आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर मतलब टू आर यानी क्यू वन डैश इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू। ठीक एग्जैक्टली उसी तरह का जैसा कि आपने शेयरिंग ऑफ चार्ज में देखा था, तो कोई यहाँ पर डिफरेंस की बात नहीं है।